हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग एंड मी पे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने अपने मोगरा का पौधा लाई हूँ। ये मैंने पिछले सीज़न में लगाया था और देखिए कितने अच्छे फूल खिले थे इसमें। और अब इस सीज़न में फूल खिलने का समय आ गया है। मार्च के एंड तक मोगरा में अच्छे फूल खिल जाएंगे, तो आप उससे पहले पहले अपने मोगरा के पेड़ में ये काम ज़रूर कर लीजिए। एक तो इसकी पिंचिंग ज़रूर कीजिए। देखिए मैंने पिंचिंग करी थी तो इसमें अब ये न्यू ग्रोथ आ रही है, क्योंकि मोगरा के फूल कभी भी पुरानी ब्रांच पे नहीं लगते। जब आप न्यू ब्रांच निकलेगी, न्यू ग्रोथ होगी, उसी पे मोगरा के फूल निकलते हैं। तो अब मैं इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर दूँगी और मिट्टी एक तरफ कर दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि अभी हम इसको न्यूट्रिशन देंगे तभी इसमें फूल बहुत अच्छे निकलेंगे। तो ये इसके लिए बेस्ट सीज़न है, बेस्ट समय है फरवरी मार्च का। अगर आपने अभी तक नहीं करा तो ये ज़रूर कर लीजिए। ये है काउडंग, क्योंकि मैं सारी जो है ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करती हूँ। मैं कोई अभी तक केमिकल मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करा, तो ये मैं कम से कम, देखिए आप कितनी है, ये सारी मैं इस पेड़ में दे दूँगी। ये सारी दे दी मैंने, क्योंकि इस समय फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है इसको। और फिर इसे हल्का सा मिलाकर और इसको मैं पानी दे दूंगी, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र दें उसके बाद पानी आप ज़रूर दें, तभी उसके पोषक तत्व धीरे धीरे मिट्टी में जाएंगे। पानी दे दिया है मैंने। ये दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैं दे रही हूँ पेड़ को कीटाणुओं से बचाने के लिए, फंगस वगैरह ना लगे और ग्रोथ बहुत अच्छी हो। ये है फिटकरी का पाउडर, एलियम का पाउडर। इसे मैंने थोड़ा सा लिया है और एक गिलास में पानी में घोल लिया है। आपका पौधा जितना बड़ा हो उसी के हिसाब से उसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो ठीक चलेगा। तो ये थोड़ा सा इतना ही लेना है। अगर आप सीधा टुकड़ा लेकर उसमें डुबो के छोड़ देते हैं थोड़ी देर तो ठीक है, लेकिन मैंने ये पाउडर करके लिया है। अब इसमें गुड़ाई कर दूंगी और ये मैं इसके, जब मैंने पहली खाद दी थी फर्टिलाइज़र, उसके बाद में ये 20 दिन बाद इसको दे रही हूँ। तो अब देखिए नीचे से थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी और आने लगी है। तो आप अपने ये मोगरे के पौधे में अगर चाहते हैं ढेर फूल तो ये फर्टिलाइज़र दें। थैंक यू।